जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। यूपी पुलिस भर्ती कांस्टेबल और एसआई की काफ़ी सारी पोस्टें बढ़ गई हैं, तो आप लोग जो है यूपी पुलिस की जो पीआरबी की जो यूपी पीआरबी की जो होम साइट है वहाँ पे आप लोग ट्विटर माध्यम से क्वेश्चन पूछे गए थे वहाँ पे उसका आंसर दे दिया गया है। और आप लोग की जो वैकेंसी है, पहले कांस्टेबल की कितनी थी, कांस्टेबल की पहले 36,000 थी, फिर आप लोग की वो बढ़ के 52,000 हुई, अब जाके आप कितनी हो गई हैं, अब आपकी लगभग 58,000 वैकेंसी, 58,000 प्लस वैकेंसी कांस्टेबल की, और 3,000 के प्लस जो है आप लोग की, क्या आप लोग की लगभग हो गई है एसआई की वैकेंसी। अभी इसमें पोस्टें और भी बढ़ सकती हैं, कांस्टेबल की बहुत सारी वैकेंसी बढ़ गई हैं, और जल्दी इसका जो है अध्याचन जारी कर दिया जाएगा और आप लोग का जो है ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा। तो आप लोग को मैं वो दिखा सकता हूँ कि वो आप लोग को कहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को जो कमेंट किए गए थे ट्विटर के माध्यम से वहाँ पे उसका बोर्ड ने और पूरा जवाब दिया है कि एज में रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिनका ओवर एज है, सारी जानकारी आपको वहाँ मैं दे सकता हूँ, आप लोग देख लीजिए, पूरी वीडियो को वॉच करिए। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देखिए, ये आप लोग को जो यूपी पीआरबी की उत्तर प्रदेश पुलिस की जो ये होम साइट है यहाँ पे आप लोग नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा FAQ, ठीक है, फैक का। यहाँ पे टेंडर जो होते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आप लोग को देखिए दरोगा की जो वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 15 लाख में जो जांच चली है वो जांच हो सकती है कि नहीं हो सकती। फिर अगले पद पे आप ये देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु कैलेंडर कब तक जारी होगा, तो फिर चयन 2023 तक विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए प्राप्त अभियाचनों के आधार पर भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर तैयार कराया जा रहा है, शीघ्र ही जारी किया जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है उपनिरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर भर्ती के दौरान, फिर आएंगे आप उपनिरीक्षक एवं समकक्ष पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन कब तक आएगा, तो उपनिरीक्षक पुलिस के कुल 3269 तथा अग्निशामक द्वितीय के 29 पदों पर भर्ती हेतु अध्याचन प्राप्त हुआ है, भर्ती कैलेंडर तथा विज्ञापन यथाशीघ्र जारी किया जाएगा, अद्यतन सूचना के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करते रहें, ठीक है। पर यहाँ पे आप पूछा गया कि छूट के बारे में, तो छूट के बारे में भी पूरी बात यहाँ पे बताई गई है। बोर्ड द्वारा किसी पद पर भर्ती के लिए आयु सीमा का निर्धारण संघ सेवा नियमावली तथा तत्व संबंधी शासनादेशों में दिए गए नियमों के आधार पर किया जाता है। आयु में छूट संबंधी नियमों में बदलाव बोर्ड के आधिकारिक क्षेत्र में नहीं है। पुलिस आरक्षी के पदों पर आगामी भर्ती की प्रक्रिया कब तक शुरू होगी, तो यहाँ पे देख लीजिए, पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के 41,811, आरक्षी PSC के 10,984, फायरमैन के 1,060, जेल वार्डन के 2,833, आरक्षी विशेष सुरक्षा के 1,341 और महिला बटालियन हेतु आरक्षी महिला के 761 पदों पर भर्ती हेतु अध्याचन प्राप्त हुआ है, परीक्षा कार्यक्रम हेतु कैलेंडर तैयार किया जा रहा है, परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित होते ही अवगत कराया जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर आप लोग चेक करते रहें। तो यहाँ पर सब जानकारी आप लोग को दी गई है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, फ्यूचर में अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।